महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों के भवन हैं। यह भवन प्रतीक हैं प्रादेशिक समभाव का, आपसी समन्वय का और आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़े रहकर प्रगति के पथ पर चलते रहने का। लेकिन महाराष्ट्र में खुद महाराष्ट्र भवन नहीं है। 20 साल पहले नई मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन तब से आज तक यह भवन सरकार के बयानों और ख्यालों में ही बन रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र के भवन पर सिर्फ राजनीति हो रही है? आखिर जब सभी राज्य अपना अपना भवन बना चुके हैं, तब महाराष्ट्र सरकार अपने भवन की स्थापना को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एक मे 105 हुतात्म्यांचं बलिदानाने आपल्याला हा महाराष्ट्र मिळालेला आहे। आणि दुर्दैव आमचं आहे की या महाराष्ट्रात महाराष्ट्र भवनसाठी जागा आरक्षित असून इतर सगळ्या राज्यांची भवनं इथे आहेत। मग आसाम भवन असेल, ओरिसा भवन असेल, उत्तर प्रदेश भवन असेल, बिहार भवन असेल, इथपर्यंत की जम्मू काश्मीर भवनला सुद्धा जागा आरक्षित ठेवलेली आहे। मग महाराष्ट्र भवन बद्दलचा सिडको आणि राज्य सरकारचा आकस काय आहे, याचा अर्थ सिडको 1998 पासून या महाराष्ट्र भवन बद्दल राज्य सरकार या महाराष्ट्र भवन बद्दल गंभीर दिसत नाही। आमची खात्री आहे आणि आमचा आरोप आहे, आमचा संशय आहे की सिडकोने हा भूखंड बिल्डरच्या घशात घातलेला आहे। दोस्तों नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधीर शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन कब बनेगा। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश में हमें यही पता चला है कि महाराष्ट्र भवन को लेकर सिडको और मनपा प्रशासन और राजनीतिक दलों के नेताओं के अपने प्लान और अपने बयान है, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर महाराष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व का प्रतीक महाराष्ट्र भवन। अयोध्या के श्री राम मंदिर की कथा तो आपने सुनी है। याद कीजिए, केंद्र में जब शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में थी, तब अक्सर शिवसेना के नेता बीजेपी पर तंज कसते थे और नारा दोहराते थे, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो क्या यह सवाल अब शिवसेना से नहीं पूछा जाना चाहिए कि मराठी मानुस और महाराष्ट्र के सम्मान और अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना और उसके नेता आखिर महाराष्ट्र भवन कब बनाएंगे, आखिर इसकी तारीख कब बताएंगे? हर मुद्दे पर टीका टिप्पणी करने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत आखिर इस पर खामोश क्यों? राउत सीएम के सलाहकार भी हैं। संभव है यदि वे महाराष्ट्र भवन बनाने को बोलेंगे तो मुख्यमंत्री उनकी बात जरूर सुनेंगे। शायद संजय राउत की अपील पर महाविकास आघाड़ी सरकार भी जाग जाए, लेकिन तीनों पार्टियों का कोई भी नेता इस पर गंभीर नहीं दिख रहा। खैर, ऐसा भी नहीं है कि हर राजनीतिक दल इस पर खामोश है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना लगातार इसे लेकर हल्ला मचा रही है। नई मुंबई के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि वासी सेक्टर 30 में 8000 वर्ग मीटर के जिस प्रस्तावित भूखंड पर महाराष्ट्र भवन का निर्माण होना है, वहाँ सबसे पहला नाम फलक मनसे कार्यकर्ताओं ने ही लगाया था और नारियल फोड़ कर औपचारिक निर्माण की शुरुआत भी की थी। हालांकि आधिकारिक प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट माना गया। इसके बाद बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने महाराष्ट्र भवन के निर्माण को लेकर आधिकारिक तौर पर पहल शुरू की।
उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 28 मई 2016 को मुलाकात की और उन्हें निवेदन दिया। सिडको एमडी को भी निवेदन दिया और वासी में प्रस्तावित भूखंड पर निर्माण प्रारंभ कराने की अपील की। भवन के लिए भूखंड सिडको दे और निर्माण नई मुंबई महानगर पालिका करे, ऐसी मांग भी की गई। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद सिडको अधिकारियों ने भवन के लिए प्रक्रिया शुरू की। भूखंड के लिए 30 करोड़ रुपए मांगे गए लेकिन राज्य सरकार ने सिडको को नहीं दिए। अब तक यह पेमेंट अधूरा है। यही वजह है कि आज तक प्रस्तावित भूखंड पर निर्माण की शुरुआत नहीं हो सकी। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे बताती है कि उन्होंने उद्धव सरकार से भी महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए जरूरी पहल करने की मांग की है और आगामी अधिवेशन में भी इसका मुद्दा उठाने वाले हैं। जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र भवन का सपना साकार होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। अब सवाल उठता है कि जब देश के छोटे और सामान्य राज्यों ने नवी मुंबई में अपना भवन जल्दी बना लिया, तब पुरोगामी राज्य कहलाने वाले महाराष्ट्र को अपना भवन बनाने में इतनी देरी क्यों? यह समझने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने नवी मुंबई में अपना भवन बना लिया है। नवी मुंबई में राज्यों के भवनों पर नजर डालें तो निर्माण की सबसे पहले शुरुआत होती है असम भवन से। महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी और सिडको से भूखंड मिलने के बाद सबसे पहले असम सरकार ने वासी स्टेशन परिसर में अपना भवन निर्मित किया। यह दौर था वर्ष 1995 और 96 का, जब महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति के बाद सिडको ने प्रांतीय भवनों को भूखंड देना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पंजाब भवन को भूखंड दिया गया, जिसे बाद में बेच दिया गया। आज वहाँ सेंट्रल मॉल खड़ा है। उसके बाद केरला भवन बना, उड़ीसा भवन, उत्तराखंड भवन, मध्य प्रदेश का मध्यलोक भवन, राजस्थान भवन और यूपी भवन समेत यहाँ 18 प्रांतीय भवन खड़े हो चुके हैं। लेकिन जिस राज्य की धरती पर ये भवन खड़े हैं, उसी राज्य का भवन नवी मुंबई में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिडको महाराष्ट्र भवन का प्रस्तावित भूखंड किसी बिल्डर या कारपोरेट कंपनी को बेचना चाहती है? कई एक्सपर्ट यही सवाल उठा रहे हैं। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे ने भी यही आशंका जताई कि जिस तरह महाराष्ट्र भवन के भूखंड के लिए सरकार ढिलाई बरत रही है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। आखिर 20 साल कोई कम वक्त तो नहीं होता? 300 साल हो गए महाराष्ट्र की मिट्टी में महाराष्ट्र भवन के निर्माण का जो भी मसला है, पेंडिंग पड़ा है। नवी मुंबई स्थित आज 15 लाख जनसंख्या है महाराष्ट्र के चलते, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में केरला भवन होता है, यूपी भवन होता है, बाकी के भवन अभी नए में जम्मू कश्मीर भवन का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की मिट्टी में महाराष्ट्र भवन क्यों नहीं हो रहा है? हमें बड़ा दुख है इस बात का कि आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का मराठी सरकार होने के बाद में भी यहाँ पे मराठी भवन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र भवन की जो जमीन है वो सिडको और महानगर पालिका, यहाँ के सांसद, यहाँ के लोक नेता कहीं कारपोरेट कंपनी को बेचने की साजिश कर रही है? और ऐसा हो तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कभी भी इसको सहन नहीं करेगी। सरकार अपने ही अधीन कार्यरत सिडको से भूखंड ले पाने और वहां निर्माण की घोषणा करने में जिस तरह महाविलंब कर रही है, वह कई आशंकाओं को बल दे। खैर, अब यह समझना जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र भवन या किसी प्रांतीय भवन की जरूरत भला क्यों है? असल में दूसरे राज्यों में या राज्यों की राजधानी क्षेत्र या महानगर में ऐसे प्रांतीय भवन बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि जब राज्य के सुदूर इलाकों से शहरों में पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं या कामकाजी प्रोफेशनल या उच्च अधिकारी आते हैं, तो उन्हें तात्कालिक तौर पर ठहरने की व्यवस्था हो, इसके लिए राज्यों के प्रशासकीय भवन मददगार बनते हैं। उन्हें खर्चीले होटलों या अन्य ठिकानों पर भटकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच प्रशासकीय कामकाज या सम्मेलन के लिए जब मंत्री, नेता या अधिकारी आते हैं तो उन्हें आवास उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, ऐसे भवन राज्यों की कला, संस्कृति और आर्थिक निवेश को प्रोत्साहन देने का भी जरिया बनते हैं। तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन के निर्माण को इन्हीं सब जरूरतों के लिए अहम माना जा रहा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर भवन बनता है तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी। महाराष्ट्र भवन में ठहरने के लिए सामान्य और वीआईपी लोगों के लिए कमरे होंगे, सभागार होंगे, कल्चरल सेंटर, बचत गटों और प्रकरणग्रस्तों के लिए उनके उत्पादनों को प्रोत्साहन देने वाले स्टॉल्स होंगे,
फूड कोर्ट या राज्य के व्यंजनों का खास रेस्टोरेंट और डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं हो सकती है। नवी मुंबई में बनने वाले महाराष्ट्र भवन की वजह से पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और कोकण क्षेत्र से मुंबई आने वाले छात्रों, अधिकारियों, हस्तशिल्पियों और कलाकारों को आवास का आसरा मिल सकता है। इस पर मराठी साहित्य संस्कृति मंडल वासी के अध्यक्ष सुभाष कुलकर्णी कहते हैं कि नवी मुंबई में 22 सालों से महाराष्ट्र भवन का निर्माण नहीं हो सका, इसका दुख होता है। अन्य राज्यों के भवन की इमारतें यहाँ इतराती हैं, लेकिन महाराष्ट्र भवन का भूखंड खाली और वीरान पड़ा है। यह मराठी लोगों के लिए शर्मिंदगी भरा लगता है। उद्धव सरकार को इस पर तत्काल निर्णय लेकर महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली वास्तु तैयार करनी चाहिए और वहाँ राज्य की संस्कृति का जतन हो सके ऐसा उपक्रम भी चलाना चाहिए। जी हाँ, ऐसी प्रतिक्रिया तमाम नवीनबईकरों की है। यह दुख आज हर नवीनबईकर महसूस कर रहा है। सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि बीते महीने थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐरोली नवीनबई में निर्माणाधीन अम्बेडकर स्मारक को देख कर कहा था कि 9 सालों से इसका निर्माण अधूरा है और हमारी सरकार 26 नवंबर से पहले इसे पूरा करेगी। काम अभी भी अधूरा पड़ा है, 6 दिसंबर तक भी यह तैयार होना मुश्किल है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल आंदोलन भी किया। अब असली सवाल यह है कि जिस महाराष्ट्र भवन की नींव तक नहीं पड़ी है उसका निर्माण भला कब होगा? सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और मंत्रियों की ओर से कोई जवाब नहीं है। शायद सरकार ने भी तय कर लिया है कि महाराष्ट्र भवन तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मुद्दे की बात में आज इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।